पता था कि जाति आधार पे वोटिंग होती है, पर पहली बार उत्तर प्रदेश में वोट मिला है विकास के आधार पे। और मोदी जी को लोगों ने न केवल उनकी नीतियों को समर्थन किया, बल्कि डिमोनेटाइजेशन के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही थी और गरीब कल्याण के लिए जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, उसका समर्थन न केवल उत्तर प्रदेश ने किया, उत्तराखंड ने किया, और मैं देख रहा हूँ मणिपुर में भी बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। कुल मिला के एक ऐतिहासिक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को और उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तराखंड की जनता को और मणिपुर की जनता के साथ साथ जहां मतदान हुए हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, उन सबको मैं बधाई देना चाहूंगा। ये शानदार सफलता लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से और जिस प्रकार मोबिलाइजेशन माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ, जिस प्रकार मेहनत हुई, जिस प्रकार पसीना बहा, और काशी ने संकेत दे दिए थे, वहां के जनसलाब ने बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आ रही है और इतने प्रचंड बहुमत से ये सबके लिए और पूरे देश के लिए उन नीतियों का समर्थन है जो मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। एक सेकंड लेना, बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 1980 के बाद इतना बड़ा रिजल्ट आया है, जिसमें हम 300 के आसपास दिख रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक मैंडेट है जो 1980 के बाद 2017 में हुआ। तो मुझे लगता है 37 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ, इतने बड़े बहुमत के साथ पार्टी को समर्थन मिला।